कृपा, आज मान की हालत तो देखनी चाहिए थी तुम्हें। पता है, मिष्टी अपनी हंसी तो रोक ही नहीं पा रही थी। हाँ, अनीता लग भी बहुत फनी रही थी। फनी? She was looking like a cartoon. लेकिन एक बात तो है कृपा, अगर वो हमारे साथ नहीं आती तो ये ट्रिप अधूरा सा लगता है ना। हाँ। सुनो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ, ओके? ओके। पृथ्वी मेरी कितनी केयर करता है, कितना परेशान है मेरी वजह से वो, फिर भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है और मुझे भी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं भी नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करूंगी। हे पृथ्वी, पता है ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है, तुम खाओगे? पृथ्वी, पृथ्वी, बस करो कृपा, तुम्हें हो क्या गया है? मैं तो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाने गया था, तुम वहां कैसे पहुंच गई? क्योंकि पृथ्वी, मैंने फिर से अंगद को देखा। What? हाँ पृथ्वी, believe me, वो अंगद ही था। मैंने उसका पीछा तक किया। तुम्हें तुम्हें पता है, वो वाटर राइड में वहां पर भी अंगद ही था। और फिर मेरा फेवरेट आइसक्रीम लेकर भी अंगद ही आया था, लेकिन जैसे ही मैंने टर्न किया वो वहां पर नहीं था। कृपा, अंगद जेल में है, जेल में, वो भी यहाँ से हजारों मील दूर, तुम्हें हो क्या गया? लेकिन पृथ्वी, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे वहां देखा था। कृपा, समझने की कोशिश करो, तुमने जो देखा वो तुम्हारा इल्यूजन था, लेकिन हकीकत कुछ और है। नहीं पृथ्वी, अगर हकीकत कुछ और है तो मैं किस इंसान का पीछा कर रही थी, और मैं पीछा करते करते वहां पहुंची कैसे, बताओ? कृपा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, मैं शायद पागल हो गई हूँ ना। कृपा, तुम पागल नहीं हो गई हो। सुनो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे साइकाइट्रिस्ट का बंदोबस्त करता हूँ, वो तुम्हारी ट्रीटमेंट करेगा, फिर तुम ठीक हो जाओगी कृपा। देखिए मिसेस बुश, आप किसी के बहुत करीब हैं, जो वो आपके पास नहीं होता फिर भी आपको उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका इलाज हो सकता है अगर आप मेरी कुछ बात माने तो। और हाँ, देखिए मिसेस बुश, आपको कुछ दिनों के लिए स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा, आराम की सख्त जरूरत है, और खुश रहने के बहाने ढूंढते रहिए। वैसे दुबई एक बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के हसीन नज़ारे, यहाँ की खूबसूरती, उसका फायदा लीजिए। इसलिए मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, बल्कि एक ऐसी जरूरत की चीज दूंगा जो आपको बहुत मददगार साबित होगी। ये एक इंस्ट्रूमेंटल सीडी है, ग्रेटेस्ट
रॉक स्टार जैप। जैप के म्यूजिक को सुनकर आई एम श्योर आपकी मुस्कुराहट लौट आएगी। थैंक यू। मोहब्बत और बेवफाई की दास्तान सिर्फ तुम्हारे लिए है कृपा, तुम्हें सुन के सुकून तो जरूर मिला होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कृपा, कृपा, what's wrong? पृथ्वी, सीढ़ी में अंगद की आवाज थी, वो यही है। फिर से अंगद की आवाज आ रही थी। पृथ्वी, अंगद यही कहीं है। सी आवाज, वो सीढ़ी फेंक दी मैंने। कृपा, तुम्हें हो क्या गया है? You know what? अभी पता चल जाएगा। कृपा, क्या हुआ? प्ले दो मुझे। पृथ्वी, क्या हुआ? माने प्लीज, एक सेकेंड। देखो पृथ्वी, मैं जानती हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक बार मेरा यकीन तो मानो। सच, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। पृथ्वी, मैं उस इंसान से नफरत से भी ज्यादा नफरत करती हूं, लेकिन क्या करूं, हर जगह वही वो है। हर जगह आगे घूमती हूं तो अंगद दिखता है, पीछे देखती हूं तो अंगद दिखता है। पृथ्वी, यहां तक कि वो सीढ़ी में भी अंगद की आवाज है। मेरा यकीन मानो, वही ये सब मेरे साथ कर रहा है। कुछ गड़बड़ है। तुम पागल हो गई हो कृपा, अंगद जेल में यहां से हजारों मील दूर। तुम जानती हो तुम्हें ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इतने महीनों के बाद भी तुम आज सिर्फ अंगद के बारे में सोचती हो। तुम खुद इसे देखना चाहती हो, इसलिए हर तरह से अंगद, अंगद, अंगद। पृथ्वी, मेरा यकीन मानो, प्लीज बिलीव मी। अगर ऐसी बात होती तो अचानक 11 महीनों बाद मुझे अंगद की याद क्यों आती? प्लीज मेरा भरोसा करो एक बार, वो यही है। ठीक है, तो तुम्हारी तसल्ली के लिए अभी जेलर को फोन करता हूं, तुम खुद से बात करो। यस अंगद खन्ना। देखिए सर, आपने 3 दिन फोन करने में देरी कर दी है। अगर आप 3 दिन पहले फोन करते तो कम से कम उसकी बॉडी लावारिस तो नहीं होती। अंगद खन्ना बीमार था और हमने उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट किया जी। उसके घर वालों को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन बात भी ये मालूम पड़ा कि वो सब दुबई में है। अंगद खन्ना को मरे हुए 3 दिन हो गए। ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं? अंगद मर चुका है। मुझे बात करनी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास अभी अभी तो अंगद को देखा था, बस अभी। देखिए मैडम, आपने किसी और को देखा होगा। अंगद खन्ना को मरे हुए 3 दिन हो गए हैं। He is dead. यहां तक कि उसका अंतिम संस्कार भी हमें करना पड़ा।
कृपा, क्या हो गया कृपा, कुछ बोलो तो सही। कार्तिक, बोलो क्या हुआ? मैं सब कुछ बताता हूँ, जरा बाहर चल के बात करते। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? अंगद, ये कैसे हो सकता है? ये सच है कार्तिक, मैं अभी अभी ये सब सुनकर आ रहा हूँ, लेकिन जो भी हो ये बात सबको बताना तो होगा। नहीं पृथ्वी, तुम किसी से कुछ नहीं कहो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, माय मॉम इज नॉट वेल, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कहीं तुमने उन्हें ये बात बता दी तो अचानक क्या हो जाए। मैं जानता हूँ कुछ दिनों बाद हमारा शो है, और इन हालात में इस बात को छुपाना काफी मुश्किल होगा, मगर जो भी हो बात को छुपाना तो पड़ेगा। एक बार मॉम की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, हम लोग मुंबई पहुंच जाएं, उसके बाद की बात मैं खुद सबको बता दूं। लेकिन देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मॉम इन हालात में मैं तुमसे कहा ना, पृथ्वी प्लीज। नहीं अंकद, तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, चाहे मैंने तुम्हें कुछ भी कहा, बहुत नफरत भी की हो, लेकिन तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी तुम इस दुनिया से चले जाओ। कृपा, कृपा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? कृपा, किसी को बताया भी नहीं कि तुम कहां हो। सुनो कृपा, जो कुछ होना था वो हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, अपने आप को संभालो कृपा, दिस इज नॉट राइट। मैं समझ सकती हूं पृथ्वी, लेकिन क्या करूं, जितनी नफरत मैंने उस इंसान से की थी, जितना हर उस पल से की थी जो हमने साथ बिताए थे, आज उतना ही खालीपन महसूस कर रही हूं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुनिया में अकेली हो गई हूं पृथ्वी, अकेली हो गई। कृपा, वो इसलिए क्योंकि तुमने उसे सच्चे दिल से चाहा, प्यार किया उसे, तुम दोनों ने एक साथ इतना वक्त बिताया कि उसे बुलाने के लिए वक्त तो लगेगा, इसलिए अपने आप को फोर्स मत करो कृपा, इट्स ओनली नेचुरल। अनीता, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? चलो हमारे साथ वॉलीबॉल खेलो। नो भाई, मुझे ये बच्चों वाले खेल खेलने का ज्यादा शौक नहीं है। एनीवेज, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम भी करना है। क्या काम करना है? मुझे सनस्क्रीन लगाकर सन बेडिंग करनी है। मैडम प्लीज, बाय। ये कभी नहीं सुधरेगी। छोड़ो ना पागल, आओ हम लोग चलते हैं। सन ब्लॉक यू हैव? हां द सन ब्लॉक, अश्रीन दरहम। व्हाट? यस यस, सन ब्लॉक लो। यस यस यस, सन ब्लॉक। अनीता, डार्लिंग, क्या कर रही हो? डार्लिंग, दिखाई नहीं देता तुम्हें आजकल? देता है, इसलिए कह रही हूँ कि ये सब मत खरीदो, इसके सामान में कुछ गड़बड़ हो सकती है। मिष्टी, कम ऑन, देखो तुम अपना ये शक अपने दिमाग में रखो, मुझे ये सनब्लॉक पसंद है और मैं ये खरीद कर रहूंगी। योर मनी। शुक्रान। सन टैनिंग लोशन। Oh my God, Anita! You look gorgeous, darling. I know, darling. एकदम बैटमैन की जैसे लग रही हो। क्या कह रही हो? ठीक ही तो कहा है, अपनी शक्ल की हालत देखो। क्या बात कर रही हो मासी? यहाँ देखो, सब लोग मुझे कैसे चेकआउट कर रहे हैं।
आखिर मैं हूँ इतनी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लो खुद ही देख लो। कृपा मैं समझ सकता हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है, लेकिन तुम्हें अपने इमोशंस पर काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी किसी बात नैना आंटी को पता चल गया वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए अब प्लीज कृपा अपने आप को कंट्रोल करो। तुम जानती हो ना, अगर नैना आंटी को यह सब पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। प्लीज पृथ्वी, तुम दोनों अंगद के बारे में क्या बातें कर रहे थे? क्या हुआ है उसे? पता नहीं ये बात तुमसे कैसे कहूं, लेकिन अंगद अब इस दुनिया में नहीं है। मिष्टी,